वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वी हैव 28 पीपल राइट नाउ. आज 28 लोग जुड़े हैं हमसे. ये लोग बिहार से हैं, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, जौनपुर से हैं. शिल्पा जी जो दिल्ली से जुड़ी हैं, और ये दिल्ली में आपको बहुत यंग लग रही होंगी. दिल्ली में इन्होंने स्कूल में बहुत बड़े स्कूल में काम किया, और उसके बाद ये एक साल से घर से काम कर रही हैं क्योंकि उनका बेबी बहुत छोटा है. और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है कंस्ट्रक्टिंग माइंड्स के नाम से, और ये हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर बोलती हैं. ये हिस्ट्री एजुकेशन के बारे में भी आज बात करेंगी. हिस्ट्री के लिए बहुत पैशनेट है. ये छोटे पैकेज में बड़ा पटाखा है, और ये आप लोग इनके उम्र पे मत जाइएगा. ये बहुत सबसे अच्छी बात है, ये बहुत पैशनेट है. और आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख करके रखिएगा, और ड्यूरिंग द सेशन उसके बाद आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओवर टू यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर हियर टुडे, एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच प्रेमा मैम फॉर इनवाइटिंग मी. आई फील वेरी वेरी ग्लैड टू बी हियर. मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ सेशन लेने के लिए. मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. जैसे मैम ने बताया कि मैं हूँ तो दिल्ली से, पर मेरी मम्मी क्योंकि पटना से रही है तो हमेशा आना जाना रहा है. तो जब प्रेमा मैम ने बताया कि बिहार के कुछ शिक्षक है जिनके साथ मुझे जुड़ना है इस सेशन के माध्यम से, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई. मेरे को बहुत खुशी मिल रही है इस सेशन को कंडक्ट करने में. तो आई होप कि हम सब आज के सेशन से कुछ सीखें एक दूसरे से, कुछ जब हम नेक्स्ट टाइम अपनी क्लासरूम में एंटर करें तो एक अलग एक्साइटमेंट हो, एक अलग मोटिवेशन हो. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन. शुरू करते हैं. जैसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतिहास के साथ मुलाकात. मैंने ये विषय इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष जो मेरी जिंदगी के रहे हैं मैंने इतिहास पढ़ने में लगाए हैं. अब तक मेरे को ऐसा लगता है कि इस विषय में सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये ऐसा विषय है जो कि हमें बहुत कुछ सिखाता है. ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दिनचर्या की जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा देता है. हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है, हमें बताता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, हम कैसे अपने अतीत को अच्छी तरीके से आने वाले समय के लिए उस अतीत के जो अनुभव है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें पता लगता है कि किस तरीके से हम एक अच्छा नागरिक बनके अपने राज्य में कुछ बदलाव ला सकते हैं, अपने देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं, हम अपने पूरे विश्व को एक अच्छी जगह बना सकते हैं. सो ये विषय मुझे लगता है कैन ब्रिंग गुड एंड पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ. तो ये कारण रहा है कि मैंने आज ये विषय सुना है इतिहास के साथ मुलाकात. अब सबसे बड़ा जो हमारा आजकल चैलेंज रहता है दैट इज अ प्रेजुडिस दैट वी हैव दैट वी एक्सपीरियंस. कि बच्चे आमतौर पे कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत उबाऊ है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है. नो, आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यू नो दे डोंट वांट टू स्टडी हिस्ट्री. उन्हें लगता है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने, क्यों उन लोगों की बातें करनी है जो है ही नहीं, क्यों हमें पास्ट में जाना है, क्यों हमारे को ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे को एक इतिहास की शिक्षक होने के नाते हम आमतौर पर सुनते होंगे. तो जब मैं एक शिक्षक की तरह सोचती हूँ, जब मैं क्लासरूम में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हम सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम इस चैलेंज को सबसे पहले डील करें. हम इस प्रेजुडिस को, ये जो पूर्व ग्रह है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. इस प्रेजुडिस को तोड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो हम जब क्लासरूम में एंटर करें तो हम ये ना सोचें कि हमारे को पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन खत्म करना है, हमारे को सिलेबस खत्म करना है, हमको करिकुलम खत्म करना है. तो हमारा जो सबसे पहली जो चीज हमारे जहन में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बच्चों के जो ये प्रेजुडिस जो दिमाग में लेके बच्चे क्लासरूम में एंटर करते हैं, पहले उस चीज को ब्रेक करें, वो मोनोटनी को, वो उबाऊपन को खत्म करें. तभी उन पाठ को पढ़ाना एक सही तरीके से जस्टिस हम कर पाएंगे. क्योंकि हम कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर ले, कितने भी लेसन्स को हम पढ़ा ले, पर जब तक बच्चों का उस चीज में रुझान नहीं है, बच्चे उस चीज को अपना नहीं पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतिहास को मैं अपने जीवन का एक भाग बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तब तक वो कभी उस विषय को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे. तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों को ये रोज बताना नहीं है कि इतिहास एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. हमें ये नहीं करना, बल्कि हमारे को सबसे पहले तो खुद में एक
जागरूकता लानी चाहिए कि इतिहास सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे को अगर अंदर से महसूस होगा कि सच में एक इतिहास एक इम्पोर्टेंट विषय है तो वो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों तक अपने आप ही ये चीज पहुंच जाएगी, बच्चे महसूस अपने आप ही हमारे साथ करने लगेंगे, इस विषय से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें इतिहास विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। हम कई ऐसे विषय हैं जो क्लासरूम में लेते हैं, कभी हम एकता की बात करते हैं, कभी हम पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में बताते हैं कि कैसे वहाँ के टाउन्स जो थे किस तरीके से बने थे, हम सातवीं कक्षा में बताते हैं कि अलाउद्दीन खलजी जो है वो किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी सत्ता को किस तरीके से मजबूत किया था उसने। तो जब हम इतनी सारी बातें हम क्लासरूम में अलग अलग तथ्यों के साथ जाते हैं तो जरूरी है कि उन तथ्यों को हम अपने जीवन से भी जोड़ के चले। ये जो शासन है, ये जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम आई थिंक ये एक ऐसा विषय है इतिहास जो हमको हर पहलू में हमारी मदद कर सकता है, हमारे को सचेत कर सकता है। जब हम देश में देखते हैं कि कितनी समस्याएं आ रही हैं, हम देखते हैं देश में करप्शन है, हम देखते हैं देश में लोग लड़ रहे हैं कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर, तो क्या हम एक शिक्षक के नाते बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते कि हम अपने ही देश को एक शांतिप्रिय देश बना सके? हम ऐसा करना चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में एक शांति बनी रहे। सो दैट इज हाउ आई फील हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और हम सभी शिक्षकों को इस चीज को महसूस करना है और बच्चों को उस चीज के साथ आगे बढ़ाना है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी एम्फसाइज किया कि इतिहास हमें एक जिम्मेदार और एक जागरूक नागरिक बनाता है। तो हमारी जिम्मेदारियां कहाँ से आती है, हमें कैसे पता चलता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है? हम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, जब हमारा संविधान बना था, जब हम बच्चों को बताते हैं कि किसने हमारा संविधान लिखा, उनमें उस संविधान में क्या क्या चीजें लिखी है, तो क्या वो चीज हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरी नहीं है? क्या हमारे को हर दिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक नागरिक के नाते भी क्या कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें डील करनी चाहिए? सो जब हमारे अंदर एक ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, जब हमारे अंदर एक इस तरीके का पैशन डेवलप हो जाएगा इतिहास को लेके, तो कोई भी हम विषय ले, नहीं मैटर करता कि हम छठवीं में पढ़ा रहे हैं, हम सातवीं में पढ़ा रहे हैं या हम आठवीं में पढ़ा रहे हैं, हम अलाउद्दीन खलजी पढ़ा रहे हैं, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हैं या हम मुगल के बारे में पढ़ा रहे, मैटर ये करता है कि उससे बच्चों ने क्या सीखा, मैटर ये करता है कि अशोका के बारे में जब हमने पढ़ाया या अकबर के बारे में पढ़ाया तो उनका धर्म के लिए जो टॉलरेंस था, जो प्यार था सभी धर्मों के लिए, हम उस तरीके से उस चीज को कैसे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और अपने जीवन में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है इतिहास, जो एक ऐसा विषय है जो इस तरीके से हमारे को हर दिन कुछ नया सीखने को दे सकता है। तो क्लासरूम में जब हम एंटर करें तो इस सोच के साथ जब हम एंटर करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जरूर ये चीजें बच्चों तक पहुंचेंगी। इतिहास हमें नैतिक मूल्य सिखाता है, हमें मॉरल वैल्यूज सिखाता है। कितनी बार कई बार हमारे स्टाफ रूम में डिस्कशंस होती हैं, क्लास स्कूल में डिस्कशन होती है, बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों में मॉरल वैल्यूज नहीं है, नैतिकता जो है वो कम हो गई है। तो हम एक शिक्षक होने के नाते जब हम सहजता के साथ कक्षा में प्रस्थान करें तो हमारे अंदर एक ये मोटिवेशन होना चाहिए कि बच्चों को हर विषय में एक नैतिक मूल्य के साथ जो है उसका शुरुआत हो, और जब हम एंडिंग पे आए तो हम उस चीज से कुछ सीख के निकले। तो जैसे एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी कक्षा आठवीं का, जिसमें हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी चैप्टर है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है वो बंटवारा हुआ था, कितने ऐसे लोग थे उस समय जो हिंदू थे जो मुसलमानों की मदद कर रहे थे, कितने मुसलमान थे जो हिंदुओं की मदद कर रहे थे, उनको सही और सेफ जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी के साथ साथ ऐसा भी दौर था कि जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, तो कितनी सारी चीजें हैं जो इतिहास में हैं। तो हम उसके किस पहलू को, ऐसा नहीं है कि इतिहास में सिर्फ अच्छे ही अनुभव हों, ऐसा नहीं है कि इतिहास में सिर्फ अच्छी ही घटनाएं घटी हैं, बहुत दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, बहुत ही दुखद घटनाएं घटी हैं, पर उसके साथ साथ बहुत अच्छी घटनाएं भी हैं। तो हमें कोई भी बुरी घटना को छुपाना नहीं है, हमें उस बुरी घटना से कुछ सीखना है, बच्चों से पूछना है कि क्या हम इस चीज को रोक सकते थे, क्यों लोग लड़ रहे थे उस समय,
क्यों ऐसा था कि लोग धर्म के नाम पे लड़ाई शुरू कर चुके थे? क्या उस चीज का कोई सलूशन था? आप सोच किया है? अगले दिन उसको क्लास में डिस्कस करें, उन बच्चों को मौका दे बोलने का, उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे बच्चे बताएं कि हाँ उस जो घटना, जो दुखद घटना घटी है, उस चीज का ये सोल्यूशन था। क्या हम आने वाले वक्त में इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम अवॉइड कर सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बने जो सच में सारे धर्मों को आगे, जैसे इतने सालों से हम आगे बढ़ाते आए हैं, आगे भी हम और अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, रिलीजन और कास्ट के क्लैशेस को दूर करते हुए हम आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमारे को अगर क्लासरूम में डिस्कशन होगी, इस तरीके से जब हम अपने नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाकर, साथ साथ बढ़ाकर पढ़ाते समय हम लेंगे, तो जरूर बच्चे बहुत रुचि के साथ पढ़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बच्चे चाहेंगे कि ऐसी और कहानियां पढ़े, वो जाएंगे अपने घर में लोगों से पूछने के लिए, वो किताबें ढूंढेंगे कि मेरे को और ऐसी कोई कहानी है। क्योंकि इतिहास में ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को वैसे गाने याद रहते हैं, स्टोरीज याद रहती है, पर हिस्ट्री की कैसे कहानियां भूल जाते हैं बच्चे? हम अपनी नानी की कहानी नहीं भूलते, मम्मी ने मेरे को कोई कहानी सुनाई होगी, मुझे आज तक याद होगी। तो हम इतिहास को भी उसी स्टोरी टेलिंग मेथड से हम बताएं, बच्चों से कहें कि कहानियां ढूंढो, रोल प्ले कराएं क्लासरूम में, उनको खुद जर्नलिस्ट बना दे, उनको खुद ही बोले कि रिपोर्टर बनिए और जाके खबर लेकर आइए कि क्या था क्या नहीं था। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि बच्चे बहुत एक्साइटेडली इस चीज का हिस्सा बनेंगे और इतिहास को एक उबाऊ विषय ना मानकर उसको एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग विषय की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैं तो यही मानती हूँ कि इतिहास में एक बहुत इट इज फुल ऑफ लर्निंग, इट इज फुल ऑफ मोटिवेशन। तो वही चीज हमारे को अपनी क्लासरूम में जो है वो लेकर जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है, ये जो स्लाइड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड्स है, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्ञान का भारी बस्ता कक्षा में लेकर नहीं जाना है। हम कई बार होता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, टीचर्स को इतने साल पढ़ा कर हमारे को अपने आप ही 100 चीजें पता चलने लगती है, हमारे का ज्ञान की पेटी जो है हमारी भारी होती रहती है, हमको बहुत कुछ जानने को पता लग जाता है और हम चाहते हैं सारा ज्ञान हम एक साथ बच्चों के ऊपर निछावर कर दें। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है ज्ञान अगर थोड़ा, नॉलेज के फैक्ट्स जो है, जो नॉलेज है अगर थोड़ा सा कम भी हो, पर उसके साथ साथ अगर हम उन्हें सेंसिटिव बनाए, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए, हम उन्हें बताएं कि हर छोटी से छोटी चीज से कुछ अच्छा सीखें, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ 10 सवाल याद करना, उनके जवाब याद करना, अपनी कॉपी में लिखवाया है उसी को आप अपनी नोटबुक से याद करके अपने एग्जाम में लिख दें, वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो बच्चे या क्या करते हैं इतिहास के अधिकतर बच्चे की याद करते हैं, 10 पेजेस लिख देंगे, 20 पेजेस लिख देंगे, पर असली में प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने क्या सीखा, वो हमारे को रिजल्ट जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हमारे को नॉलेज तो जरूरी है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके साथ साथ जो सीख है, जो हम उससे लर्निंग्स है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उन बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स ना दें, सिर्फ उन्हें प्रश्न और उत्तर ना प्रोवाइड करें और उनको सिर्फ याद करने के लिए ना कहें, बल्कि उसके साथ साथ बच्चों को कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, उनसे इस तरीके से इतिहास को पढ़ाएं कि वो अपने आप ही जो है उसका जवाब अपने अनुभव से लिख पाए, उनको एक फ्रीडम महसूस होगी लिखते समय भी, उनको एक अच्छा फील होगा कि मैंने कुछ सीखा और मैं खुद लिख पा रहा हूँ, तो कभी भी उनको बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे भाई 50 जो है क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए याद करने। सो ये हमारा जो है मुझे लगता है उद्देश्य होना चाहिए। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग विच सेज क्रिएट अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम, एक लोकतांत्रिक कक्षा जो है वो हमें बनानी है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम ये यहाँ पर सभी को, क्योंकि हम सब इतिहास पढ़ाते हैं तो हम सभी को डेमोक्रेसी का मतलब पता है, लोकतांत्रिक जो शब्द है इसका मतलब पता है, इसका मतलब कि कोई एक लोकतांत्रिक देश कैसे बनता है जिसमें राजा जो है का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो हम कॉमन पब्लिक को सर्व करते हैं। तो क्लासरूम में भी जब हम डेमोक्रेटिक क्लासरूम की बात करते हैं तो टीचर राजा नहीं है, तो जो टीचर ने कह दिया वो कह दिया,
ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें इस चीज को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। हमें एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम और लोकतांत्रिक कक्षा की ओर बढ़ना होगा, ताकि बच्चे जो है खुल के अपनी बात कह सके, एक दूसरे को भी सुने, अपनी साथियों को सुने, अपने साथियों के सामने अपनी विचारधारा जो है वो सामने लेकर जाएं, वो बताएं कि उन्होंने क्या सीखा। अगर वो कुछ गलत या सही का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाते, वहां पे जो है टीचर का एक रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। पर टीचर जो है उसको रूल नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, खासतौर से इतिहास की क्लास में मुझे लगता है कि टीचर को एक फ्रीडम के साथ, क्योंकि यही बच्चे हैं जो अगर उन्होंने स्कूल में लोकतंत्र का मतलब समझ लिया और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है इसका मतलब समझ लिया, तो हमारा देश हमेशा एक लोकतांत्रिक देश ही रहेगा। और उस चीज को हम अपने देश में जब हम देखेंगे, कल के आज के जो बच्चे हैं जो कल के नेता बनेंगे, तो वो सही मायने में डेमोक्रेसी को जो है वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। देश में ही नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को हमारे को सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए तैयार करना है, उन्हें हमें ग्लोबल लीडर बनाना है, हमें विश्व का जो है हमारे को उन्हें लीडर बनाना है, हमारे को मात्र अपने राज्य का नहीं, अपने सिर्फ देश का नहीं, बल्कि इस तरीके से हमें डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है। तो अपनी क्लासरूम में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें, अपने जो चेयर टेबल है उसको थोड़ा सा ऐसे मूव करें कि बच्चे सर्कल में बैठे, एक दूसरे की बातें कहें, बातें समझे, कुछ नया सीख के आए तो उन्हें डर ना हो टीचर के साथ शेयर करने के लिए। कितने बच्चे हैं जो डर के बैठ जाते कि मैम क्या कहेंगी या मेरे साथी क्या कहेंगे, एक उनको एक खुशनुमा माहौल मिलेगा क्लासरूम में और एक ऐसा लगेगा कि हम सब तो दोस्त हैं, मेरी टीचर भी मेरी दोस्त है जो मेरी बातें समझ सकती है, जो जो मैं कहूंगा गलत या सही वो मुझे गलती पे सुधारेंगी भी और जो मैं सही कहूंगा उसके लिए मुझे मोटिवेट भी करेंगी। सो इस तरीके से हमारे को अगर इतिहास को इस तरीके से हम क्लासरूम में लेके जाएंगे, आई एम श्योर कि ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जो हमारे को हो सकता है एक दिन में ना दिखे, पर बाय द एंड ऑफ द सेशन ही हमको दिख जाएगा, हमको बहुत साल इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ जैसे मैंने पहले बोला कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो कई बार हम इतिहास में तथ्य तक ही रुक जाते हैं कि भाई फैक्ट्स बच्चों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, इस तरीके से जो चेन है ये याद कर लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पर हमारे को सिर्फ तथ्य थोड़ी ना सीखने हैं इतिहास से, हमारे को सीखना है कि तथ्य के अंदर जो लर्निंग्स हैं हमें उन चीजों को सीखना है, हमें तथ्यों से सीखना है, हमें सिर्फ तथ्य याद नहीं रखने हैं, इसका यह मतलब है। तो जिस तरीके से जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम एक के बाद ये राजा आया, उसके बाद ये राजा आया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उन राजाओं ने कौन सा ऐसा काम किया जो हम आज भी उस चीज को सीख सकते हैं। How can we implement those good things in our lives? उन राजाओं ने क्या ऐसा गलत किया जो हमें आज या आने वाले कल में नहीं लागू करना है, उस तरीके से हमें तथ्य उनके सामने रखने हैं। तो जैसे हम मैंने ये सेशन जिस तरीके से शुरू किया था, जिसमें मैंने कहा कि हमें अपने विषय को जानने की जरूरत है और हमारा उद्देश्य क्या है उस चीज को पढ़ाने का, उस चीज को सही तरीके से अगर हमने निर्धारित कर लिया तो यह विषय बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंच सकता है। तो हमारे को चाहिए कि वो अतीत को अनुभव करे, उसको फील करे, वो ऐसा महसूस करे कि हाँ मैं 18वीं शताब्दी में हूँ, हाँ मैं हिटलर के टाइम पीरियड में हूँ, हाँ मैं अलाउद्दीन खलजी के टाइम पीरियड में हूँ, मैं हड़प्पा की गलियों में घूम रहा हूँ। ये सब मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बनाने वाली बातें हैं। अगर हम उस तरीके से कक्षा में जाएंगे और उनको कभी तस्वीरें दिखाएं, उनको वीडियो दिखाएं, आजकल हमारे पास बहुत साधन है अगर हम कोशिश करें तो। मैं तो ये मानती हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ पे हमारी चाह है वही हमारी राह है। कितनी बार हमारे को लगता है हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर जब हमने ये सोच लिया कि हमें ये करना है तो 100 रास्ते दिख जाएंगे हमें। तो अगर कभी हमें ऐसा भी महसूस हो कि हमारे पास साधन नहीं है तो हमें वो साधन जो है वो बनाने चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी चीज से अपने आप को अनभिज्ञ ना महसूस करें, तब कभी उन्हें ये ना लगे कि हमारे पास हम ये विषय अच्छे से पढ़ सकते थे और हम पढ़ नहीं पाए, कभी ये अनुभव ना रहे उनके जीवन में, ताकि जब वो कल को कॉलेज जाएं, कल को जब वो 12th पास करेंगे, वो कॉलेज में जाएंगे, बाकी बच्चों से मिलेंगे जो अलग अलग स्टेट से होंगे, किसी और कंट्री से होंगे, जब वो उनसे मुलाकात करें तो कभी ये ना महसूस करें कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे।
तो एक शिक्षक के लिए मैं मान सकती हूँ कि बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, कभी साधनों की वजह से, कभी किसी और समस्या की वजह से, पर अगर हमारे अंदर वो एक मोटिवेशन रहेगी, हमारे अंदर वो जज्बा रहेगा कि नहीं, हमारे को एक एक अच्छे नागरिकों का बनाने का बेड़ा हमने उठाया है, तो हम जरूर उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। तो जब इतिहास की मैं, जैसे मैंने बोला कि इतिहास को अनुभव करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं? हो सकता है मैं हम हर बार किसी मॉन्यूमेंट में ना लेकर जा पाए, किसी बिल्डिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं, हो सकता है हम ना ले जा पाए, पर तस्वीरें उन्हें प्रोवाइड करें, उन्हें वीडियोस प्रोवाइड करें, उन्हें पिक्चर्स प्रोवाइड करें, अपनी कहानियां बना के उनके सामने लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि ये जो दीवार है, इस दीवार से ये कहानी जुड़ी हुई है, ये जो पेंटिंग है ये मात्र एक चार कलर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, इस पेंटिंग के पीछे ये कहानी जुड़ी हुई है। कभी जाएंगे, कभी घूमने जाएंगे अपने माता पिता के साथ या स्कूल के साथ, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को अपने साथ जो है वो लॉन्ग रन में याद रखेंगे। ये मेरा एक सवाल है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम शिक्षक जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है निभा सकते हैं। छात्र जो है वो इतिहास का विशेषज्ञ कभी नहीं बनना चाहते हैं, अधिकतर मैं ये नहीं बोलूंगी कभी नहीं बनना चाहते, क्योंकि आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो बनना चाहता था इतिहास का विशेषज्ञ। तो अक्सर ऐसा देखा है जो इतिहास का विषय की बारी आती है तो छात्र जो है वो ऐसा सपना ही नहीं देखते कि हमारे को इस विषय का विशेषज्ञ बनना है, हमको एक्सपर्ट बनना है इतिहास का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी इस इतिहास की इम्पोर्टेंस को उन्होंने समझा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा एक्सपर्ट भी होता है। कई बार मतलब प्रैक्टिकली मेरे को ऐसा देख सुनने में आया कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हिस्ट्री का भी कोई एक्सपर्ट होता है, हिस्टोरियंस जो है वो कैसे बनते हैं उन्हें नहीं पता। तो जब हम क्लासरूम में जाते हैं बच्चों को, जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं, जब हम बच्चों को बताते हैं कि हर एक विषय का फ्यूचर में कुछ हो सकता है, क्या उसके अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऑप्शंस हैं, तो हम जरूर बताएं कि बच्चे हिस्टोरियंस भी बन सकते हैं, वो एक्सपर्ट बन सकते हैं, और किस तरीके से दे कैन ब्रिंग गुड चेंज इन द सोसाइटी विद दिस सब्जेक्ट। तो फ्यूचर में वो किस तरीके से अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, तो उनको रास्ते दिखाएं, उन्हें बताएं कि कैसे ये जो विषय है वो इम्पोर्टेंट है। और जरूर शिक्षक जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर हम ये विश्वास रखेंगे, हम ये मानेंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बच्चे इस चीज को जरूर मानेंगे, उस चीज को अपने जीवन का पार्ट बनाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते हमारे को बच्चों के साथ जो है वो ग्रो करना है। कभी हमारी उम्र जो है हमारी कई ज्यादा हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अब तो हमें तकनीक कैसे सीखे, ये तो बड़ी बुरी बला है, एक मोबाइल फोन में हम अटक जाते हैं। हमारे को बूढ़ा नहीं हो जाना है, हमारे को उस जनरेशन के साथ साथ ग्रो करना है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए हम एक और बार यंग हो जाएंगे। हमारे को इस चीज के साथ जो है हमारे को क्लासरूम में एंटर करना चाहिए, उन बच्चों से सीखें तकनीक। अगर हमें लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, तो उस तकनीकी ज्ञान को हम बच्चों से ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर में ये सिखाएं, हमें वो सिखाएं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं इन सब चीजों में। स्कूल में अगर लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो उनसे मदद मांगे। हम एक टीचर हैं, हम लर्नर्स भी हैं, सिर्फ हम पढ़ाने नहीं जाते, हम सीखने भी बहुत कुछ जाते हैं। तो जब बच्चों के पास ये मैसेज जाएगा कि अरे टीचर होके हमसे सीख सकती हैं, तो बच्चों में भी एक लर्निंग एक्साइटमेंट रहेगी, उनको भी लगेगा कि हम भी किसी से सीख सकते हैं। तो हो सकता है एक 12वीं का बच्चा जो है 6th क्लास के बच्चे के पास जाके बोले मुझे ये सिखा दो, मेरे को ये नहीं आता। तो वो एक हमारा जो एटीट्यूड है बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं, दे लर्न इट वेरी वेरी क्विकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल्सो टेक अप दिस काइंड ऑफ अ थिंग फॉरवर्ड इन द स्कूल, इन द क्लासरूम। और हमारे साथ साथ जब हम एक इंडिविजुअल तौर पे ये करेंगे, तो हमारे साथ जितने टीचर्स जुड़े हैं, हमारे प्रिंसिपल जुड़े हैं, वाइस प्रिंसिपल जुड़े हैं, हमारे बाकी जो बच्चे जुड़े हैं जिन्हें हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं किसी भी क्लासरूम में, कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो स्प्रेड होता चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे को, मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। एंड फाइनली I come to this term that I always say, मुझे इसका हिंदी वर्जन आया नहीं, जिसे मैं कहती हूँ एक्सप्लोर। एक हिस्ट्री टीचर और किसी भी टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सप्लोर करें, जितना ढूंढ सकते हैं ढूंढे, किताबें ढूंढे, कहानियां ढूंढे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढे, वीडियोज ढूंढे, और वो उस तरीके से हम क्लासरूम में जो है वो लेकर जाए। सो इसी तरीके से मुझे लगता है कि यू नो वी हैव टू बी ऑलवेज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग।
हमें एक एक्साइटमेंट के साथ हमेशा क्लासरूम में जो है वो एंटर करना चाहिए, तभी हमारे जो सब्जेक्ट को जो जो लव है, जो रिस्पेक्ट है, जो एक्साइटमेंट है, वो हमारे सब्जेक्ट में जो है वो बनेगी। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें करके। इट्स क्लियर टू सी From up here, the world seems small. We can sit.